चाय खिलाने आ गए, आपको फोन में लड़ रही थी बहुत ज्यादा ये। अच्छी अब खाए कहां तो मस्त लगे। बाइक देख के बताओ ना। बाइक तो मस्त है। मस्त है बाइक। दीदी गली भाई साहब कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं, कितना सारा। सोनू का रिएक्शन ना। बाकी इतनी सारी चॉकलेट्स मैं लेके जा रहा हूँ, पूरा बॉक्स है ये। ये आपके लिए गिफ्ट है, बहुत सारे गिफ्ट है आपके लिए। कंफ्यूज था कि मैं थर्ड पार्टी कराऊं कि फर्स्ट पार्टी कराऊं, बाकी आप लोग बता देना कि कौन सी पार्टी कराऊं। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं बस निकल ही रहा हूं अभी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं कि आप सब लोग ठीक हो। गाइस अभी का टाइम हो चुका है समथिंग 4 बजने वाला है। अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूं बिकॉज आज मैं लेट हो गया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। अभी मैं दवाई वगैरह खा के पूरा रेडी हो गया, मतलब फुल पावर। अभी मेरे को बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया हूं। मतलब अभी देखो बाइक लेके आया 2 दिन पहले और आज तीसरे दिन मेरे को बुखार आ गया। फिर करनी है, मैंने पूरा रेस्ट कर लिया। आज मैं पूरे दिन अपने बाइक को नहीं चलाया, मतलब बाहर खड़ी है मेरी बाइक। अभी आपको दिखाता हूं कि बाइक कहां है और क्या चीज है। बाकी अभी मेरे को जाना थोड़ी देर मार्केट के लिए बिकॉज मेरे को थोड़ा सा सामान लेके आना है। मार्केट से सामान लेके आता हूं फिर मैं आपको बाइक वगैरह दिखाता हूं। भाई लोग कुछ इस कंडीशन में हमारी बाइक खड़ी बिकॉज अभी हमारे पास कवर वगैरह है नहीं, तो हमें थोड़ा सा तो चाहिए ना कवर करने के लिए। कपड़ा लगा दिया था, मम्मी ने दे दिया था, आगे से यहीं पे रख देता हूँ। लगाते हैं चाबी को और निकालते हैं बाइक को। बाकी यहाँ पे कितना सारा सामान रखा हुआ बिकॉज खेत में यूज होता ना ये सब चीजें। तो बाइक हमने लगा दी, बाइक को पहले बाहर निकालता फिर सामान लेके आते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए। अभी सामान लेके तो आ गया हूं। ये रखा है हमारा कुछ सामान, ये हमारी दुकान का सामान था। मेरे को नमकीन वगैरह कुछ लेके आनी थी जो कि खत्म हो गई थी। यहाँ से थोड़ा देखते हैं कहीं घूमने के लिए। सोच तो रहा हूँ कि दीदी लोगों के पास चले जाऊँ बिकॉज मैं कल को भी नहीं जा पाया था और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाना था, तो मैं ऐसी देखो फिर भी बना रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मेरा वेट ठीक हो गया था तो मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। आप देखता हूँ, सोचता हूँ कुछ अपने दोस्त लोग से पूछता हूँ अगर वो चलते हैं। हम लोग निकलते हैं यहाँ से दीदी के पास, थोड़ा वहाँ पे देखेंगे दिखाएंगे। वो कब से बोल रहे हैं कि भाई बाइक को नहीं दिखाया तूने, भी कर रहे थे वो लोग कल तो गाली कर रहे थे। तो फिलहाल अभी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर। गाइस अभी के लिए फाइनली डिसाइड हो गया कि अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी लोग के पास। अभी मैं बस रेडी होता, मिठाई वगैरह लेते हैं और दीदी का रिएक्शन देखते हैं, दीदी का रिएक्शन कैसा रहता है बिकॉज हमारे घर में कभी भी ऐसी बाइक नहीं आई थी और फर्स्ट टाइम मतलब ली है। और आप लोग भी रिएक्शन देखना, बस पूरा वीडियो देखना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। फटाफट से मैं रेडी होता हूं और दोस्त का वेट करते हैं, फिर हम लोग यहां से निकलते हैं। सो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूं। टाइम हो चुका है समथिंग 4 बजने वाले, 15 मिनट कम है। और मैं ये इतनी सारी चॉकलेट्स वगैरह रख के ले, और ये थोड़ी बिस्किट्स वगैरह दीदी लोग को दे देंगे, वो लोग खा लेंगे। बाकी इतनी सारी चॉकलेट्स मैं लेके जा रहा हूं, पूरा बॉक्स है ये। फिलहाल इसे इसमें डालते हैं और फिर लेके चलते हैं। काफी टाइम के बाद जा रहे हैं आज हम दीदी के पास। गाइस ऑलमोस्ट मैं बस निकल ही रहा हूँ, अभी बस जा रहा हूँ सोनू के घर पे सोनू को देखने के लिए। वो रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, और बाइक को करते हैं स्टार्ट फटाफट। अरे यार इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसको चाबी ऑन रख देता हूँ ना इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, मैनेज करना पड़ता है मेरे को। मम्मी यहाँ पे देखो कैसे बैठी हुई है। चलो फिलहाल चलते हैं सोनू घर पे, सोनू को लेके आते हैं। सोनू भी आ गया है, अभी बस सामान उठाते हैं। भाई काफी सारा सामान लेके जा रहा हूँ। दीदी गली भाई साहब कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं, कितना सारा। सोनू का रिएक्शन। चलो फिलहाल निकलते भाई। और अपने पास प्लस पॉइंट नहीं है, मतलब हेलमेट नहीं है भाई साहब हमारे पास। अभी हम बाइक तो खरीद लिए भाई, हमारे पास हेलमेट नहीं है। अभी हेलमेट भी हमें लेके आना, और अभी क्या डीएल भी बनवाना हमें, तब हमने कुछ भी काम नहीं कराया यार अभी तो फिलहाल। चलो कोई नहीं, फिलहाल आज मेरी तबीयत वगैरह खराब थी तो बाइक का भी मैंने काफी काम नहीं किया बिकॉज पेपर वर्क भी रहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी इसका रहता है। मैंने कल को पूछ तो लिया था बट अभी इसका फाइनल नहीं कराया मैंने। कंफ्यूज था कि मैं थर्ड पार्टी कराऊं कि फर्स्ट पार्टी कराऊं, बाकी आप लोग बता देना कि कौन सी पार्टी कराऊं। तो देखते हैं। मम्मी अलग ही अपना परिचय दे रही है। तो गाइस भयंकर से भी एक दिक्कत हो गई है, बैग में तो सामान आ नहीं रहा है। निकलते हैं, काफी देर से बोलो निकलते निकलते, बस एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही ना, काफी बार बोल चुका हूँ कि निकलते। और अभी हमें एक स्टॉप पे बाइक रोकनी पड़ेगी बिकॉज हमें मिठाई वगैरह लेनी दीदी के लिए, क्योंकि यार बाइक ली है तो काफी सारे मतलब आंटी लोग हैं, मैडम जी लोग हैं, तो सभी लोग को हम खिलाएंगे। मम्मी क्या कहते हो, सबका आशीर्वाद लेके आऊंगा, पैर छूंगा ना, पूछ लेता हूँ ना बिकॉज पूछना बहुत जरूरी है। चलो तो फिर बाय बाय मम्मी, जाते हैं, प्रणाम। हाँ ठीक है। सो गाइस मिठाई ले लिया, हाफ के जी 400 की। तो भाई साहब, अरे यार भाई की आंखें, चलो उसमें से दे दो यार, उनकी आंखें वो वरना। हेलो भैया, तो पहुंचे थे खिंडा में, ये खटीमा मतलब अगर देखे होगे तो जाना माना रेस्टोरेंट है।
बहुत जल्दी इस बाइक ने हमें पहुंचा दिया यार, समथिंग 10 मिनट ना भाई साहब, 100-100 तो यूं जा रही थी। अभी के लिए फिलहाल पहुंच गए, और ये देखो दीदी आ गई। कैसी लगी? ये आपके लिए गिफ्ट है, बहुत सारे गिफ्ट है आपके लिए। अच्छा जेन्युइन रिजल्ट बताओ, ऐसा कैमरे में देख के वो मत करो। अरे नहीं मैं देख तो लूं। टायर तो घिसेंगे ही भाई, सेकंड हैंड है। ब्लॉग बना बना के बातें भी इसकी वो हो गई है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी दीदी लोग का वेट करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, फिर उनको बाइक दिखाते हैं और उसके बाद मीठा वगैरह कुछ खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नहीं यार नहीं 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 इसके नीचे कुछ भी नहीं, ये मोमडन वाला नहीं है, ये बुद्धिस्ट का विशेष होते हैं, ठीक है। नहीं गिरेगा, इसमें कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबल रहता है इसमें, ये देखो ना ये है ना पकड़ने के लिए भाई। 50 का तो ये खाती भी नहीं, 500 से सीधे शुरुआत होती है इसकी। 50 रुपए में बोल रही भाई, 50 रुपए में, 50 रुपए में ये यहाँ, 50 रुपए में यहाँ से बस ये मार्केट तक जाएगी बस। वाह वाह वाह, मैं तेरे को ऐसा ना यहीं पर राइड करा देता हूँ, बाकी फिर कभी करा देंगे। रिजल्ट बताओ, आपको बाइक पसंद आई? बिल्कुल मस्त है, कोई वो तो नहीं, मतलब घाटा तो नहीं खा गया मैं है? आप बताओ आपका, आपका मुझे बिठाई नहीं रहा तो मैं कहूंगी तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ, चलो ना बैठ हम जाते हैं। बाय 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 बाय, चलो आशीर्वाद आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद लेते हैं, सभी का आशीर्वाद लेते हैं भाई। सही रास्ते में चलना, मैं तो यही दुआ है, हाँ सही रास्ते में चलेंगे, अपने रास्ते में चलेंगे, ठीक है। अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग आए दूसरे हॉस्टल में, बिकॉज यहाँ पे मौसी लोग भी हैं, तो उनको भी हमें मिठाई वगैरह खिलानी थी और उनको बाइक दिखानी थी, तो उनका रिएक्शन देखते हैं भाई। मिठाई खिलाने आ गए, आपको फोन में लड़ रही थी बहुत ज़्यादा ये कि भाई मिठाई खिलाने और मिठाई खिलाने, तो फाइनली हम लोग आ गए। तो बस अभी मौसी को दिखाते हैं अपनी बाइक, है कितनी खुशी है, अपने दम पे लिए ना पूरी, अपनी मेहनत की कमाई है ना, बढ़िया अच्छी। अब खाए कहाँ तो मस्त लग रही है, अरे खान से थोड़ी भीड़, बाइक देख के बताओ ना, बाइक तो मस्त है, मस्त है मस्त है, बिल्कुल चलो हाँ यहाँ से निकलते हैं फिलहाल मिठाई, चलो ठीक है बाय 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 बाय। वीडियो में मिठाई खाओ दिखाई, ये देखो ये कल्पना है, हैशटैग कल्पना, बेना अच्छो ना यार वो है। अरे लो भाई थैंक यू कल्पना के संग है ना चाक। अरे बाप की इतनी रिस्पेक्ट भाई साहब, मतलब चाबी उठा के ही मिल रही है तो। तो गाइस मिलते हैं, ठीक है, ओके सर ओके सर ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और अब चलते हैं घर पे सीधे। तो गाइस अभी हमको मिल चुकी है चेकिंग वगैरह, मतलब पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो हम लोग अभी कुछ इस तरह के रास्ते से जा रहे हैं, निकलते हैं, ऑफ रोड है पूरा भाई साहब, गियर निकल गए थे यार। तो गाइस ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड भाई साहब, स्लिप ना करे यार। तो गाइस अभी रुके आलू लेने के लिए, आलू लगा रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमें 5 किलो चाहिए, पूरे पूरे 5 किलो। और सब्जी भी चाहिए, तो सब्जी हम किसी और जगह से लेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्याज और आलू ही चलते हैं, ले लेते हैं, फिर लेते हैं सब्जी वगैरह घर के लिए। तो गाइस मैं भैया से पूछ रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बना लूँ यहाँ पे, तो भैया कह रहे मेरी बना, भैया बहुत स्वीट है यार बाकी बहुत मस्त है भैया, हमें डिस्काउंट नहीं दोगे? डिस्काउंट कोई बात नहीं भैया, रहने दो डिस्काउंट मत दो, आपकी भी तो मेहनत है, आप होलसेल में देते हैं है ना भैया? हाँ चलो ठीक है। लो भाई आलू लेके कैसा खड़ा भाई, कितने रुपए किलो दिए भाई? मस्त बताओ से खा लिए, कैसी लगी? मैं अभी फिलहाल के लिए घर पे पहुँच गए और सब्जी वगैरह पापा लेके आ गए थे, मैंने फोन कर लिया था तो मैं सब्जी लेके आया नहीं, और बाकी ये रही हमारी कोको, कोको देखो भाई साहब पूछ देखो। अरे भाई हो गया हो गया, आ गया आ गया, मैं आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, कितनी एक्साइटेड हो जाती है। और बाकी मम्मी
प्याज वगैरह कट कर रही हूँ बिकॉज आज हमारे घर पे बनने वाला मटन। और गाइस अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो मेरे को बताना कि मैं बाइक का नाम क्या रखूं। आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई बाइक का नाम रखो करके, तो आप बता देना बाइक का क्या नाम रखेंगे, कुछ कमेंट कर देना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खुश। बाकी पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी और ये देखो तो ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।